और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। 9 तारीख इसी महीना में इसी जगह में एक घटना घटते हैं। जानकारों का ये कहना है यहाँ पे एक पुलिसकर्मी जिसका नाम बता रहे हैं राधेश्याम, वो एक कार में यहाँ पे एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ अश्लील डाक कर रहे थे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब जानकारी लिया सूत्रों के हवाले में ये पता चला, लोगों से कुछ जानकारी लिया तो ये पता चला कि कार यहाँ पे हिल रहे थे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने घेराव किया कार का और कहीं ना कहीं उसी जो घेरा वाला उस टाइम का कुछ अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ रहा था तेज़ी से। यहाँ तक ये बता रहा है जो लोकेशन है ये राधागमी मंदिर का पास में मौजूद हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर, और यहाँ पर उस कार मौजूद था इस जगह पर। आप देख सकते हैं ये है राधा गोविंद मंदिर, ये देखिए उसका मंदिर का जो डिस्प्ले बोर्ड है इसी का पीछे मंदिर, एक पवित्र स्थल में कहीं ना कहीं एक कार यहाँ पे पब्लिक प्लेस में पार्किंग करके यहाँ पे जो अश्लीलता कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करके कार का घेराव किया और बहुत ही चालाकी से निकालने यहाँ से भागने के लिए वो पुलिसकर्मी जो राधेश्याम का नाम आ रहा है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों को उठा बुला के उनके पूछताछ किया जा रहा है, किसी का फ़ोन लेके छीन के थाना में जमा कर रहे और मारपीट भी कर रहे कुछ लोगों का साथ में। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया, कार को घेराव किया, वो भागने में कामयाब हो जाते हैं वो राधेश्याम। चलिए देखिए मंदिर के सामने पवित्र स्थल के सामने इस तरह का कहीं ना कहीं ये गलत दर्शक, पुलिस का काम होता है समाज को अच्छा दिशा में लेके जाना और समाज को सुधारने का काम होता। अगर एक पुलिसकर्मी अगर इस तरह मंदिर के सामने पवित्र स्थल के सामने इस तरह काम में पाया जाता और लोगों इसका विरोध करता, और बने रहेगा वो वीडियो क्लिप देखने के लिए, मैं इसके बाद वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, तो पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया सुशंकर दास जिसका नाम है गांजा का आरोप में गिरफ्तार किया गया और अभी फ़िलहाल आज का डेट में जो है 17 तारीख कोर्ट में है। तो मैं क्यों बता रहा है, क्योंकि ये 9 तारीख को जो घटना हुआ एक कार में एक पुलिसकर्मी दूसरा पुलिसकर्मी के साथ कुछ अश्लीलता कर रहे थे ये राधागोविंद मंदिर का पास। अरे जो राधागोविंद मंदिर का देखिए गेट है, अरे यहाँ से पाँच मीटर दूर में ये रात को 9 बजे के आसपास कहीं ना कहीं जहाँ से सूत्रों के हवाले मेरे पास खबर मिला है ये वहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे थे। और उसके बाद वो गाड़ी जब घेर रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों ने गाड़ी का घेराव किया और उसमें सुशंकर दास भी था, और कहीं ना कहीं उसको पर्सनल टारगेट करके कहा जा रहा है, पर्सनल टारगेट करके उन्हें इस गांजा का केस में उन्हें फंसाया गया। तो सवाल यहाँ पे यही आता है कि पुलिस कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है पुलिस को कहाँ में गांजा क्या सब मालूम है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छूट देते हैं और जब कोई पर्सनल अपना दुश्मनी निकलना है तो इस तरह का कार्रवाई करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस केस से जुड़े अपडेट देंगे और इसके बाद हम दिखाएंगे पूरा मैटर बताएंगे, और इसके बाद ये वीडियो जो वायरल कर रहा है उनके खिलाफ़ एक कार्रवाई चल रही है अभी फ़िलहाल, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो वायरल किया है तो उसके खिलाफ़ भी कुछ कार्रवाई कर रहा है। और पुलिस का जो इस तरह काम करना कहाँ तक सही है, एक प्राइवेसी जो होता है चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, प्राइवेसी प्लेस में होना चाहिए, अगर वही चीज़ अगर पब्लिक प्लेस में और एक पवित्र स्थल के सामने मंदिर के सामने होता वो कहीं ना कहीं गलत दर्शाता है। तो पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सुधारना चाहिए और अपना सोच विचार करके कहाँ में क्या करना ये समझ होना चाहिए। तो इसी का साथ समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।